तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके नई वीडियो में आपकी अपनी भाषा में। फ्रेंड्स, हम जब शॉप चलाते हैं, अपना मिनी ब्रांच चलाते हैं, अगर आप ऑनलाइन का भी काम करते हैं तो भाई कीबोर्ड माउस तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑनलाइन वर्क में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कीबोर्ड माउस का ही जरूरत पड़ता है। क्योंकि आप कंप्यूटर कीबोर्ड से या आप डेस्कटॉप लगाए तो भाई बिना कीबोर्ड के तो बेकार है। तो अगर लैपटॉप से भी कितना काम कर सकते हैं, वो इतना स्पीडली काम नहीं हो सकता भाई। एक्सटर्नल आपको कीबोर्ड और माउस तो लगाना ही पड़ता है ताकि आपका काम जल्दी से हो जाए, क्विक हो जाए। तो फ्रेंड्स, हम क्या सोचते हैं, थोड़ा सा लालच कर जाते हैं कि यार चलो ठीक है, 100-150 रुपया कीबोर्ड ले लेते हैं और वो चार पाँच महीने चलता है और वो ख़राब हो जाता है। ऐसे करके काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और जो स्पेशल टाइपिस्ट होते हैं, जो टाइप करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं खुद भी टाइप करता हूँ, मेरा हिंदी इंग्लिश दोनों मुझे टाइप आता है, तो भाई टाइपिस्ट से ज़्यादा तो कीबोर्ड के बारे में कोई जानता नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है फ्रेंड्स। क्योंकि वो इतनी टाइपिंग करता है कि अगर वो कोई लोकल का कीबोर्ड ले ले फ्रेंड्स, तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, वो बेचारे उसको 2-3 कीबोर्ड चेंज करने पड़ जाते हैं। पर फ्रेंड्स, अगर वो एक ही बार, ज़्यादा महंगा तो नहीं बताऊंगा, पर फिर भी और सब महंगे से, तो मतलब सस्ते से महंगे से बीच की क्वालिटी का फ्रेंड्स कीबोर्ड है और काफ़ी अच्छा चलता है, और मैं पर्सनली उसको यूज़ भी कर रहा हूँ फ्रेंड्स। 2016 से मैं अपने कीबोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है। और मैं अपनी शॉप पे भी वही उसी कंपनी का मैंने कीबोर्ड लगाया हुआ है, वो भी कंटिन्यू चल रहा है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैंने टाइपिंग उसी से, मतलब मैं टाइपिंग भी उसी से करता हूं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसा कीबोर्ड जो आपको ज़्यादा बजट में भी नहीं है, पर उसको एक बार ले लेंगे फ्रेंड्स तो आप मतलब फाइनली एक तरीके से सोचेंगे फ्रेंड्स कि हाँ, कुछ मैंने कीबोर्ड माउस लिया है फ्रेंड्स। क्योंकि लोकल कीबोर्ड लेने से एक 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने चलेगा, वो ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स, पर वो कीबोर्ड काफ़ी अच्छा चलेगा। मैं पर्सनल, मेरा ओपिनियन है, मैं उसको पर्सनली यूज़ करता हूँ फ्रेंड्स, और मुझे उसका विश्वास है, मैं बिल्कुल ट्रस्ट से कहता हूँ फ्रेंड्स कि वो काफ़ी अच्छा चलेगा और वर्क भी करेगा। तो मैं आपके सामने लाया हूँ फ्रेंड्स, HP का कीबोर्ड है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं HP का कीबोर्ड है, और ये मैंने मात्र Amazon से ख़रीदा है, और ये मुझे मात्र 700 रुपये में कीबोर्ड और माउस दोनों मैंने, इसमें कॉम्बो पैक है, दोनों मैंने 700 रुपये मंगाए फ्रेंड्स। और मैं मानता हूँ कि अगर मैं 700 रुपये इन्वेस्ट कर दूंगा तो फ्रेंड्स मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, साल दो साल ऐसे चलेगा फ्रेंड्स कि आपको कभी कीबोर्ड माउस की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं लोकल कीबोर्ड मैंने यूज़ किया है तो 6 महीने, 4 महीने से ज़्यादा नहीं टिकता फ्रेंड्स। पर मैंने जब से HP का एक कीबोर्ड मैंने सिस्टम पे लगा हुआ है, मुझे दूसरे की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा कि यार ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि अगर आप सोच रहे हैं फ्रेंड्स कि हम यार कौन सा कीबोर्ड लें जो हमारे लॉन्ग टाइम काम करे। तो फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पे जो भी चीज़ डालता हूँ जेन्युइन चीज़ डालता हूँ, मुझे फ्रॉडबाजी में कोई ऐसी चीज़, मतलब 2 नंबर की चीज़ में फ्रेंड्स डालता ही नहीं हूँ। तो मैंने सोचा ये चीज़ आपके साथ शेयर कर दी जाए, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। मैंने डेल का भी परचेज़ किया है, डेल का और HP दोनों का सेम रेट था फ्रेंड्स, पर इसका जो क्वालिटी है फ्रेंड्स मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने इसको खुद से चेक किया, क्योंकि डेल का उसके मुकाबले थोड़ा सा छोटा है। तो फ्रेंड्स, ज्यादा हाई क्वालिटी भी नहीं है, 700 रुपए में नॉर्मल प्राइस है फ्रेंड्स, और आप इसको खरीद लेंगे एक बार तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो मैं इसका आपके सामने अनबॉक्सिंग कर देता हूं और दिखाता हूं इसमें कैसा कीबोर्ड मिलेगा और कैसा इसमें माउस मिलेगा। तो मैं आज HP का इसमें ब्रांड है फ्रेंड्स, मैं इसको ओपन कर लेता हूं आपके सामने। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ इसके जो लेटर है, जो इसकी यूजर गाइड वगैरह है, तो इनको तो आई थिंक मेरे हिसाब से कोई पढ़ता भी नहीं है, क्योंकि कीबोर्ड माउस में कोई इतना टेक्निकल चीज़ नहीं है फ्रेंड्स। और मैं आपको कीबोर्ड माउस दोनों चीज़ में फ्रेंड्स ये दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ मंगाया है फ्रेंड्स, 700 रुपये में मुझे Amazon से मिला है, और काफ़ी मैं खुश भी हूँ। और इसका 1 साल का वारंटी है, यानी कि अगर आपके कीबोर्ड माउस में अगर कुछ भी हो जाए 1 साल के अंदर, तो वो न्यू मिलेगा, आपको रिप्लेसमेंट मिलेगा, मतलब एक्सचेंज मिलेगा, बिल्कुल न्यू मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये कीबोर्ड माउस है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कीबोर्ड माउस है, आप मतलब डेल का भी था फ्रेंड्स, इसी रेंज में डेल का मिल रहा था, पर मुझे डेल का थोड़ा सा मतलब इससे छोटा लगा, तो कुछ कीबोर्ड लगना भी चाहिए फ्रेंड्स। तो काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है, HP ब्रांड है फ्रेंड्स, काफ़ी मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स इस पर, बिल्कुल नॉर्मली आप एक बार खरीदने के बाद आपको कीबोर्ड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी 2-3 साल फ्रेंड्स। तो मैं 100% सिक्योर हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इसको पर्सनली खुद यूज़ कर रहा हूँ 3 साल से। तो ये मैंने दूसरा इसलिए मंगाया क्योंकि मुझे भाई इसको यूज़ भी किया हुआ है और इस पर मुझे ट्रस्ट भी है, इसलिए मैंने अपने सिस्टम के लिए दूसरा मंगाया फ्रेंड्स। और मैंने HP का ही, यानी कि जो कीबोर्ड माउस है, माउस भी मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं HP का ही माउस मंगाया है,
क्योंकि यार मैंने 100-150 रुपए के माउस बहुत लेके देख लिए, नहीं टिकते, बहुत कम टिकते, क्योंकि भाई मेरा एडिटिंग का भी काम है, मैं एडिटिंग भी इसी माउस पर भाई कंप्यूटर पे करता हूँ, कभी कभी मोबाइल पे कर लेता हूँ, कभी कंप्यूटर पे कर लेता हूँ, मतलब मन है मेरा कहीं भी कर लेता हूँ, जहाँ मुझे टाइम लगता कि हाँ मुझे यहाँ मैं जल्दी कर लूँगा वहाँ पे मैं, उस टाइम तो मेरा एक माउस था, लोकल माउस था, वो फ्रेंड्स उसका मतलब कर्सर काम करना बंद कर दिया उसने। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि यार जब ले रहे हैं तो कोई अच्छा ही ले, क्योंकि मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप ले सकते हैं बिल्कुल टेंशन फ्री तरह के, आप अगर मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, मुझ पे विश्वास करते हैं, तो आप, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ फुल्ली कि फ्रेंड्स आप HP का ही माउस और कीबोर्ड लें, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो बस यही बताना था कि भाई अगर लेना है तो एक बार ही लो अच्छे से, क्योंकि कहावत कहते हैं भाई रोना है तो एक बार रो, अच्छे से रो लो, बार बार रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप सोचते हो लालच कर दे यार 100-150 रुपये में काम चल रहा है, भाई 100-150 रुपये खर्च कर करके आप 2-3 महीने बाद एक्सचेंज करते रहोगे तो वो ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ जाता है फ्रेंड्स। पर एक बार आप 700 रुपये इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको 2-3 साल तो फ्रेंड्स देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी, ये मैं अपने ऊपर भरोसे से बोलता हूँ फ्रेंड्स। तो बस यही बताना था इस वीडियो में कि भाई कीबोर्ड लेने के लिए आपको आपको कौन सा, भाई महंगे तो इससे भी आते हैं, पर मैंने सोचा भाई ज़्यादा महंगा भी ना हो और ज़्यादा सस्ता भी ना हो, लॉन्ग टाइम काम करे, तो ये बजट में है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं, आप लेना चाहे तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, और आपको मन है तो खरीद लेना, मैं तो भाई मत खरीदना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, बस मेरा काम था आपको बताना, अच्छी इन्फॉर्मेशन देना, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो बस यही वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो RockTechPrince को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो फिर मिलता हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।